Hey guys, welcome back to Travel Cupcakes. मैं हूँ उपन, ये है देवाजी। Yes, तो स्वागत है मेरे रिएक्शन चैनल में। कैसे हो आप लोग? और प्यार बांटते रहना, काफी अच्छा लगता है। काफी वीडियोस में प्यार बांट रहे लोग, कमेंट्स अच्छी अच्छी कर रहे हैं। तो आज हम एक वीडियो लाए हैं जो है पूजा से आमना बनने का सफर, आई थिंक हिंदू सिस्टर कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो भी कैसे कन्वर्ट हुई और क्या थॉट प्रोसेस था, अभी हम सुनते हैं ना? देखते हैं इस वीडियो में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। पहले मेरे पापा ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे फादर साहब ने ये माना ही नहीं। उनको लगा शायद ये इन्फ्लुएंस है, असर थोड़ा बहुत होता है जो आप रेगुलरली जो आप देखते हैं सुनते हैं जिस माहौल में रहते हैं थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शारिफ खान। आज जिस गैर मुस्लिम बहन की वीडियो लेकर के आया हूँ, पहले गैर मुस्लिम थी, माशाल्लाह अब इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। इस्लाम में दाखिल होने की कितनी बड़ी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी है, इन्हीं की ज़ुबान से आपको जानने को मिलेगा। इससे पहले कि मैं इनसे आपकी बात कराऊँ, थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जब इन्होंने इस्लाम में दाखिल होने की सोची, उसके बाद से ही इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आना शुरू हो गई। जैसे ही इस्लाम में पहला कदम रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा इन्होंने, जैसे ही कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुई, वैसे ही इन्हें घर से निकाल दिया गया। एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते बाहर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह की जंजीर को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए थी। अल्लाह का नाम लेके अनाथालय जो होता है, जहाँ पर आप कह सकते हो यतीम बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पर जाकर के ये रहीं। उसके बाद इन्होंने कितनी परेशानियाँ उठाईं, अपना एक अच्छा खासा घर छोड़ करके, दौलतमंद फैमिली को छोड़ करके, अल्लाह के नाम को दिल में बिठा के यतीम खाने में पली, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशानियाँ उठाईं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, इन्हीं की ज़ुबानी इनकी स्टोरी सुनते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आईं। घर वालों ने कैसा रिएक्शन दिया जब उन्हें ये यकीन हो गया कि मैंने इस्लाम वाकई कबूल कर दिया है? जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अक्टूबर मंथ में मैंने अपने पापा को SMS के थ्रू बता दिया था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। पहले मेरे पापा ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे फादर साहब ने ये माना ही नहीं। उनको लगा शायद ये इन्फ्लुएंस है, असर थोड़ा बहुत होता है जो आप रेगुलरली जो आप देखते हैं सुनते हैं जिस माहौल में रहते हैं थोड़ा सा असर हो जाता है, तो शायद ये वो असर हुआ है इस पे। लेकिन मैं अपने डैड को सीधे बोलती रही, पापा मैं मुझे किसी चीज का असर वसर नहीं हुआ है, मैं इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ, मैं सच में इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे पापा मुझे समझाने लगे कि बेटा मैं हर दिन की इज्जत करता हूँ, हर दिन बहुत खूबसूरत है और इस्लाम बेहद खूबसूरत रिलीजन है, लेकिन आप अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को अपना लें ये सही नहीं है। आप अच्छी बातें उठाएं इस्लाम से, अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन पूरी तरह मुसलमान ना बन जाएं। मैं अपने पापा से कहती रही, नहीं मुझे इस्लाम में ही रहना है पापा, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। 12 अक्टूबर 2012 जो मेरे पापा के साथ आखिरी बात हुई है, माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत रो दूंगी मैं, क्योंकि जब भी इस बारे में बात करती हूँ जब भी याद आता है, क्योंकि मेरे पापा और मैं बहुत मजबूत रिश्ता होता है बेटी और बाप, फादर का खासकर। बेटियां अपने फादर से ज्यादा लगाव रखती हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो 12 अक्टूबर 2012 को पापा ने मुझसे कहा, बेटा वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए इस्लाम। और मेरा जवाब यही था कि पापा मैं आपसे कहती हूँ आप पढ़िए इस्लाम, सिर्फ कुरान पढ़ लेने से नहीं, उसे समझने से, दिल से समझने से, उस नफरत से ना समझें कि इस्लाम ने मेरी बेटी को ले लिया। नहीं, पढ़ें कि इसमें ऐसा क्या था कि मेरी बेटी सब कुछ छोड़ने को तैयार है इस्लाम की खातिर। पापा ने आखिरी सवाल किया मुझसे, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? मैंने कहा, जी पापा ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। और मेरे पापा ने फोन काट दिया। अगले दिन बहन से फोन आया और पता चला
कि जैसे ही पापा ने पिछले दिन मेरा मुझसे बात करने के बाद फोन काटा, पापा जमीन पे गिर पड़े हैं। पापा को हॉस्पिटल लिया गया है, पापा एडमिट रहे हैं वहां। एक साल तक मेरे पापा ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ग्लूकोज पे रहे हैं वो। न जाने अल्लाह की क्या रहमत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा रहे। और एक साल पूरा किसी से बात नहीं की उन्होंने, किसी से भी बात नहीं। यहाँ तक कि जो उनकी हम सफर मेरी माँ है, उनसे भी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मेरा नाम लेते थे, और जैसे ही मेरा नाम लेते थे उनकी आंखों से आंसू गिरते थे। मेरी माँ मुझे मनाती रही, बहुत मनाती रही। मेरा भाई रोता रहा, गिर गिराता रहा मेरे सामने, सामने नहीं फोन पर, और कहता रहा दीदी मैं अपनी पगड़ी उतार के तुम्हारे पैरों पे रखता हूँ, हमें कत्ल नहीं करो, वापस आ जाओ। मैं जवाब कुछ नहीं दे पाती थी, मैं सिर्फ रोती थी, दिन रात रोती थी। और इससे पापा को पता चलने के बाद, पापा ही वो थे जो कमाते थे घर में, मेरे पैसे जो मुझे, जो पापा मामा मुझे खर्चा भेजते थे वो बंद कर दिया गया। आप सोचें, इतना बड़ा शहर बेंगलुरु, उसमें मैं एक अकेली लड़की, और पैसे बंद कर दिए घर वालों ने। न खाने को पैसे हैं, ना जिस कमरे में रहती हूँ वहां पे करने के लिए रेंट। आखिरकार धीरे धीरे बहन ने बात बंद की, भाई ने बात बंद की, माँ कोशिश में लगी रही कि शायद ये मेरी बात मान जाएगी और वापस आ जाएगी। माँ ने भी बात बंद कर दी जून 2013 में। माँ थक गई कोशिश करते करते कि ये वापस नहीं आएगी, ये नहीं छोड़ेगी इस्लाम। माँ ने कहा जो भी बात आपको करनी है यहाँ आकर करें, जो भी आपको कहना या सुनना है यहाँ आके सामने करें, फोन पे आज के बाद कोई बात नहीं होगी। और सारे नंबर्स वगैरह बदल दिए गए, घर का लैंडलाइन बंद करवा दिया गया, मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए। मतलब मैं वो हो गई, कहते हैं ना, बिल्कुल बेसहारा। बेशक मेरा सहारा अल्लाह था, मेरा ईमान अल्लाह था, मेरा यकीन अल्लाह था, लेकिन जरूरत होती है, माँ बाप की जरूरत होती है। खुदा का निजाम ही कुछ ऐसा है, माँ बाप वो मोहब्बत औलाद से, और वो औलाद के दिल में मोहब्बत अपने माँ बाप के लिए, ये खुदा ने कुछ सिस्टम ही ऐसा बनाया है। तो जब वो मेरी जड़ें जब हिल गई, मैं कमजोर पड़ गई, और यहाँ से माँ बाप ने पैसा भेजना बंद कर दिया था पहले ही, मजबूर होकर मुझे वो कमरा छोड़ना पड़ा, और मैं जाके रहने लगी एक मदरसे में। वहां पे गरीब लड़कियां और अनाथ लड़कियां रहा करती थी। मैंने वहां रहना शुरू किया। सबसे अच्छी बात यह हुई कि मैंने अरबी सीखी वहीं पे। मैं जो अरबी में आज कुरान पढ़ पाती हूँ, मेरी पहली बेसिक तालीम अरबी की उसी मदरसे में हुई, और बहुत कुछ सीखने को मिला। कि मैंने तो फिर भी 23-24 साल माँ बाप के साथ रही हूँ, माँ बाप ने इतना अच्छी जिंदगी दी है, हमेशा ख्वाहिशें पूरी की हैं। वहाँ वो बच्चियाँ थी मदरसे में जिन्होंने बचपन से अपने माँ बाप को खोया है, कोई नहीं है उनका सिवाय अल्लाह के। आखिर माँ बाप के साथ बिल्कुल बात बंद हो चुकी। नवंबर 2018 में जो आखिरी बात मेरी हुई है वो हुई है मेरी नानी से। मैंने अपनी नानी को किसी तरह, मुझे उनका नंबर याद आया, एक दिन क्लिक हुआ अचानक से, मैंने जल्दी से वो डायल किया तो नानी ने ही उठाया। नानी से बात हुई, बेहद खुश हुई नानी मेरी आवाज़ सुनकर। मेरे बारे में पूछा उन्होंने, फिर बोला बेटा क्यों किया तुमने ऐसा, क्या ज़रूरत थी करने की, अब सब भूल चुके हैं तुम्हें, कोई याद भी नहीं रखता है, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता, तुम्हारी बात, तुम्हारा नाम लेना सख्ती से मना है, तुम्हारा नाम कोई नहीं ले सकता। नाम लेना भी मना है। अब आप जहां हैं खुश रहें, अच्छे से रहें, सुकून से रहें। तड़पना आपको भी है, तड़पना हमें भी है, कि वो खून का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता जो हमारे बीच है वो तो खत्म नहीं हो सकता। आपकी माँ को, आपके फादर साहब को आप याद आती हैं, बहुत याद आती हैं, लेकिन जो ये
सोशल कंपल्शन होती है ना, जो सोसाइटी है बीच में, इसकी वजह से अलग हैं आप, नहीं मिल पाएंगे अब। अब उन्होंने मुझे एक बात और बोली, मेरी नानी ने, उन्हें बोला ख्वाब में भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करना, असली का तो छोड़ ही दे आप, ख्वाब में आने की जुर्रत नहीं करना, आपके घर वालों को तो छोड़ दे, बाकी जो है आपके रिश्तेदार आपको इतने टुकड़े करेंगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये फातिमा जी गई कहाँ। तो खैर नानी से थोड़ी सी बात हुई, लेकिन अल्लाह को मंजूर था शायद कि मेरे जो मामा के बेटे हैं उन्होंने नानी का फ़ोन वगैरह चेक किया, मेरा नंबर ट्रू कॉलर पे देखा तो उन्हें पता चला मैं, ये मेरा नंबर है। तो नानी को भी थोड़ी सी सख्ती देखनी पड़ी, और फिर नानी ने एक और फ़ोन किया मुझे कुछ सेकंड्स का, बोला बेटा मुझे आज के बाद फ़ोन नहीं करना, इनको पता चल गया है कि मेरी आपसे बात हुई थी। खैर फिर कुछ साल, एक डेढ़ साल पहले ही मैंने अपनी जो मेरी बहन है उनका फेसबुक अकाउंट से उनकी फ्रेंड को मैंने मैसेज किया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे नंबर लिया, उनसे बात की। उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मेरी बहन ही हूँ या मैं कुछ अलग इंसान बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ सेम है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हमें तो पता ही नहीं है कि आप कोई बड़ी बहन भी हैं, हमें ये पता है कि वो हैं, भाई हैं एक, मतलब मेरी छोटी बहन है, भाई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि इन दोनों की बड़ी बहन भी है, कोई कोई नहीं जानता है। 6 साल में ऐसा खत्म कर दी गई है मेरी एग्जिस्टेंस वहां से, मुझे कोई अफसोस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायद हक है उनका ये करने का, वो जितनी सख्ती करेंगे ये हक होगा उनका, और मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरा नाम लेना क्यों छोड़ा, या आपने मेरी एग्जिस्टेंस खत्म क्यों की, क्यों नहीं बताया लोगों को कि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। एज उनके रिलीजन का मेंबर होने के हिसाब से मैंने बहुत गलत किया है उनके लिए, बहुत बहुत गलत किया है। वो कहते हैं ना कहावत की जीते जी मार डालना, कुछ वैसा ही किया है मैंने उनके साथ। मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया, ये मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि अपने अल्लाह के लिए ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये बातें उन्हें तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक अल्लाह की रहमत उन पर नहीं होंगी, उनके दिल नहीं खुलेंगे, उनके कानों से पर्दे नहीं हटेंगे। तब तक, जब तक उनको ये बात समझ नहीं आएगी इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तब तक नामुमकिन है कि वो मेरी सिचुएशन को समझेंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। खैर जितने भी नए मेंबर्स घर में ऐड हुए हैं, जैसे कजन्स वगैरह की, मेरे भाई की शादी, चचेरे भाई की शादी, जिनकी भी भाई बहनों की शादी है, जितनी भी भाभियां या जीजू घर में आए हैं, किसी को नहीं पता है कि इनकी एक बड़ी बेटी भी थी, तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं, जिंदा हैं, आपके वालिद हैं, आपकी माँ हैं, आपके साथ हैं, वो वालिदैन दोनों हैं आपके साथ, या शायद किसी और शहर में, किसी और देश में रहते हैं, अल्लाह के लिए कभी ऐसा ना करें कि उन्हें तकलीफ हो। ये ऐसा अनमोल तोहफा अल्लाह ताला ने आपको दिया है, बहुत खुश नसीब है अगर आपके पास दोनों हैं या एक भी है, बहुत खुश नसीब है, यकीन मानिए। ये ऐसा तोहफा है जिसके लिए आपने कुछ पैसे नहीं दिए। आप जाते हैं ना दुकान पे, आप जब पैसे देते हैं तभी कोई तोहफा खरीद सकते हैं किसी को देने के लिए। अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है, आप अपनी माँ से जन्म लेते हैं, माँ और जो पापा फादर साहब होते हैं दोनों से बेहद मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत में पले बड़े हैं आप, आपको क्या देना पड़ा उन्हें, कुछ भी नहीं। उन्होंने आपका ख्याल तब रखा जब आप बेसहारा थे, बिल्कुल बेसहारा, जब आप शायद खुद कुछ खा पी नहीं पाते थे, तब माँ ने आपको छाती से लगा के आपका पेट भरा है। जब आपको चलना नहीं आता था, आपके फादर साहब ने आपकी उंगली पकड़ के गिर गिर के चलना सिखाया है। आपकी स्कूल की फीसेस आप कैलकुलेट करने बैठेंगे ना ताउम्र की, आपको फीसेस कितनी लगी हैं, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आपके माता और पापा ने, माँ और पापा ने कितना खर्चा किया है आपको इस तरह का इंसान बनाने के लिए। तो अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं, करीब हैं, थोड़े दूर भी हैं, खुदा के लिए उन्हें बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उन्हें बताएं कि वो कितना अहम हिस्सा है आपकी जिंदगी का। तो जब तक जान है बता दीजिए, जब तक ये सांसें चल रही हैं उन्हें एहसास करवा दीजिए।
इस्लाम में सुना है कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे है, जिस जन्नत के लिए हम तलब रखते हैं। सारे रमजान हमने यही दुआ मांगी है कि या अल्लाह जहन्नम से दूर रखना और जन्नत में जगह देना, या अल्लाह जन्नत में जगह दीजिएगा। वो जन्नत माँ के पैरों के नीचे है, जरा उन पैरों को चूम कर देखिए, जरा उस माँ के हाथों को चूम कर देखिए, जरा उनकी दुआएं लेकर देखिए, आपको जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत का दरवाजा आपके वालिद साहब, आपके फादर साहब। जब तक जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा आप अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो दोनों ही बहुत अहम हैं, बहुत जरूरी हैं। कद्र कीजिए इस तोहफे की जो आपको बिना कुछ पे किए बगैर मिला है। कद्र कीजिए उस तोहफे की जिन्होंने ताउम्र आपका ख्याल रखा है और आपसे वैसी ही मोहब्बत करी है जिस दिन से आप पैदा हुए हैं। वही मोहब्बत वो आखिर सांस तक आपसे करते हैं। करता हूँ दोस्तों, इन बहन की कहानी जानने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा जानने को मिला होगा। दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, हमें सब अच्छा, सब सारी चीजें देखने मिल रही है। वो एक माँ बाप की तरफ से तोहफा है जो उनके प्यार से हमें मिला है। तो ये बात मुझे बहुत दिल को छुई। ये बहुत अच्छी बातें करती है, इतनी अच्छी बातें की ना, मतलब कहीं पे भी ऐसे बोलते हैं ना कि वो कहीं अटक जाता है इंसान कुछ बोलते हुए, पता है। पर उसके इतना मतलब प्यार मोहब्बत इतना। अभी इनके पेरेंट्स को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, वो उनका डिसीजन है वो। लेकिन उन्होंने जो अपना स्ट्रगल बताया कि वो मदरसे में रही और सीखा सब, ये कह रही थी कि इनको ये दुख नहीं है कि उनके माँ बाप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी, या फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वो मदरसे में गई ना तो उन्होंने ये देखा कि इनको तो 24 साल तक भी अपने माँ बाप का प्यार देखा, रही बड़ी हुई ये सब देखा, पर उन्होंने मदरसे में ये देखा कि जो बच्चे बिल्कुल अनाथ है जिन्होंने बचपन से अपने माँ बाप का प्यार नहीं देखा, तो उनके सामने तो ये फिर भी ठीक है मतलब। तो वो उन्होंने अपने मन को इस तरीके से मनाया कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर, कुछ होना सही रहता है। मतलब इन बच्चों को तो कुछ भी नहीं मिला है जो गरीब है और जिनके माँ बाप नहीं है, तो एटलीस्ट वो इतना 24 साल तक तो अपना माँ बाप का प्यार लेके आई है। तो वो बोल रही थी ना कि उसको मतलब अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं है, और वो बोल रही थी ना कि पूरा इसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इतने अच्छे अच्छे लाइंस बोले ना जो कुरान में लिखे हैं। हाँ, इसलिए तो बोल रहे थे। तो ये वीडियो काफी थोड़ा इमोशनल कर दिया आज, काफी अच्छी बातें थी उन्होंने। ये हम यही कहना चाहेंगे कि उनके पेरेंट्स को अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी बेटी जो है बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने। वो संस्कार हमें दिखते हैं, वो अच्छा लगता है कि किस तरीके से कितने प्यार से आपने बड़ा किया है। सही राह पे जाता है कोई तो उसे गलत माना जाता है। हाँ। सोसाइटी ऐसी हो गई है। हाँ, सोसाइटी की वजह से वो थोड़ा ठीक है, क्या करें, ठीक है, तो भी नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, चलो। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट्स तो ज़रूर करना क्योंकि हम सबके रिप्लाई देते हैं हो सके जब तक, लाइक और हार्ट तो देते ही है। तो और वीडियोज़ हमें सजेस्ट करते रहना। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।